आज मेरा पहला दिन है। मैं तो कॉलेज में किसी को जानती भी नहीं। मैं किससे पूछूं? प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? इनसे ही पूछ लेती हूँ। What? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं न्यू छात्र हूँ ना, तो मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? ओह, प्रिंसिपल का ऑफिस। रुको, मंदिरा बताएगी। मंदिरा बोलना जरा। प्रिंसिपल का ऑफिस जाना है तुम्हें? यहाँ से सीधा जाना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस। धन्यवाद। चल चल, मजा लेते। चल चल। यहाँ तो कोई प्रिंसिपल का ऑफिस नहीं है, पर उन्होंने तो कहा था कि इसी रास्ते में प्रिंसिपल का ऑफिस है। पर यहाँ तो बस टॉयलेट है। मतलब उन लोगों ने मेरे साथ मजाक किया? ये क्या बता बेटी है? ओले 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 ओले, चश्मे इसको बुरा लग गई। शर्म नहीं आती आप दोनों की ऐसी हरकत करते हुए? बताना ही नहीं था तो मत बताते। ऐसी बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो तुझे ये बदतमीजी लगी? बदतमीजी तो तू अब देखेगी। हाथ छोड़ मेरा। अभी तो छोड़ी हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकतें की तो छोड़ूंगी नहीं, बदतमीज लड़की। तुम रो मत, चलो मेरे साथ। ये है ही ऐसी बदतमीज। चश्मीस, आज से तेरी बुरी वक्त शुरू। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम रो मत ना, क्यों रो रहे हो ऐसे? वो मंदिरा ऐसी घमंडी है, उसे दूसरों को नीचा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। वो है ही घमंडी, तुम उससे दूर ही रहना। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की वही है, इसीलिए उसे इस बात का बहुत घमंड है। पर मैंने तो उसे प्रिंसिपल का ऑफिस ही पूछा था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो उसने मुझे इतना कुछ सुनाया। तुम दिखने में बहुत सीधी सादी हो ना, और मंदिरा ऐसी लड़की को अपने पैरों की धूल समझती है। एक समय मैं और मंदिरा भी बेस्ट फ्रेंड थे, पर क्या? पता नहीं ये मंदिरा अब तक क्यों नहीं आई, इसे आने में इतना लेट क्यों होता है? अरे तुझे तो पता है मंदिरा इस कॉलेज की हीरोइन है, और हीरोइन की एंट्री तो लास्ट में होता है। हाँ, ये बात भी तूने सही कहा। अरे वो देख, आ गई मंदिरा। हाय गाइस, मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग। अब तेरा मॉर्निंग खत्म हुआ है तो आप क्लास अटेंड करें, चल अब। हाँ, क्यों नहीं, चल। कोमलिका, सर ने तो मुझे हिस्ट्री के नोट्स लाने के लिए गए, और मैंने तो हिस्ट्री का नोट्स बनाया नहीं, अब क्या करूँ? तू टेंशन मत ले, मैं बनाई हूँ, मैं कल तेरे लिए लेके आ जाऊंगी। थैंक यू कोमलिका, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बात ये सुन ले। ओ गाइस, मैं तो भूल ही गई, मैं ना कल कॉलेज नहीं आ पाऊंगी, मैंने ना कल कुछ काम है। ठीक है। ये ले मंदिरा, मैं तेरे लिए नोट्स लेके आई हूँ। थैंक यू कोमू, तू बहुत अच्छी है। अगर तूने मुझे ये नोट्स नहीं दिया होता तो सर मुझे क्लास से बाहर निकाल देते। क्या हुआ, तू सैड क्यों है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने? 5,000 बस। ये ले। थैंक यू मंदिरा, मेरे पास होंगे तो मैं तुझे लौटा दूंगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, चल अब ये मुझे क्लास में सबमिट करना है। आप लोगों की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर ऐसे टूट कैसे गई? ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम्हें प्रिंसिपल के रूम में जाना था ना, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राखी है, और आपका? मेरा नाम कोमलिका। चलो आज से हम दोस्त। ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं, फिर से कोई बदतमीजी करेंगे ये मेरे साथ।
क्यों? आज कोई दुआ करो, कोई दुआ करो, कोई दुआ करो मेरे लिए। आज कोई दुआ करो मेरे लिए, आज कोई दुआ करो मेरे लिए। आज इस रात की कोई सुबह। कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। कैसी लड़की हो तुम? हम लोग खड़े तुमसे बात कर रहे हैं और तुम बैठी हुई हो, उठ जाओ। यार मैं काफिर तो नहीं, अपना हूं गैर। कल की बातों के लिए अभी तक गुस्सा हो गया मुझसे? प्लीज वो बातें भूल जाओ। हाँ हाँ ठीक है। वैसे तुम ऐसी ड्रेस खरीदती कहाँ से हो? मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए था मेरे नौकर के लिए। वो क्या है ना, उसका बर्थडे आ रहा है तो मुझे समटाइम ऐसे कपड़े देना पड़ता है। ओहो, तुम्हें बुरा लग गया क्या? अब क्या करूं, मेरे नौकर भी ऐसे सेम कपड़े पहनती है। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुमने सेम मेरे नौकर जैसे कपड़े पहने हैं। क्या करूं, मैं आपकी तरह अमीर घराने से नहीं हूं ना, बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हूं। ऐसे कपड़े पहन रही हूं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओह अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे बातों का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, आपकी बातों का मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ये तो मेरी सच्चाई है ना। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। बिचारी, इससे अच्छा तो मेरे नौकर कपड़े पहनते हैं, तुझे पता है मीमी। इसे क्या हुआ, ये राखी रो क्यों रही है? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो मंदिर ने मुझे दिन का दिन ये मंदिरा कुछ ज्यादा ही कर रही है, इसका अकर का कुछ ठिकाना लगाना ही होगा। मैं क्या करूं कोमो, अगर मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है तो ऐसे ही कपड़े हैं, मंदिरा की नौकरों वाली। तुम रो मत, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो है ही ऐसी। नहीं कोमो, अगर सामने से कोई ऐसे बोले ना तो बहुत बुरा लगता है। What the hell is this? तुझे इस खूबसूरती और पैसों का बहुत घमंड है ना? हाँ है। तो ज्यादा घमंड मत कर, घमंड टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। कोमो ये क्या बात है मुझे मंदिर से ऐसे बात करने का? तुम तो चुप ही रहो मंदिरा की चमची, मैं इधर तुम दोनों से बहस करने नहीं आई हूँ। मंदिरा मैं तुझे समझाने आई हूँ, तुम राखी से दूर रहना, और खबरदार राखी से ऐसी बदतमीजी की तो क्या कर लेगी? तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और राखी मेरी दोस्त है, दोस्त दोस्त। ये कोमो तेरे से कैसे बात कर रही है? छोड़ना मीमी ये सब। कोमलिका थैंक यू दोस्त। किस बात के लिए? उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि मंदिरा ने मेरे से बदतमीजी की, पर तब से मंदिरा ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे पता है तुमने कुछ तो किया होगा। अरे वो मैं उसे वार्निंग दे के आई थी कि तुझसे तमीज में रहे, बेचारी डर गई। थैंक यू दोस्त, पता नहीं तू नहीं होती तो मेरा इस कॉलेज में क्या होता। क्या होता, कुछ नहीं होता, चल अब। अरे ये सब छोड़ना मंदिर है, नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, और हर साल की तरह इस साल भी मैं ही जीतूंगी, और वैसे भी कोई है नहीं मुझे टक्कर देने वाली, इसलिए विनर तो मुझे बनना है ना मिमिता। क्या हुआ कोमो, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? इस बार मुझे भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना होगा। तो ये तो अच्छी बात है, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? पता है राखी, हर साल मैं और मिमिता जानबूझ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेते थे ताकि मंदिरा जीत जाए, लेकिन इस बार मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूंगी और मंदिरा को किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगी। बहुत घमंड है ना उसे अपनी खूबसूरती में। हाँ हाँ कोमो, तू हिस्सा ले। राखी तू भी लेना हिस्सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। ये क्या बोल रही है कोमो, मुझे देख और मंदिरा को देख, ये सब मेरे से नहीं होने वाला। तू ये सब क्या टेंशन मत ले, ये सब तू मेरे पे छोड़ दे, तेरी मेकअपर मैं करूंगी और किसी भी हालत में मंदिरा को जीतने नहीं देंगे, उसका घमंड हमें तोड़ना है। तू तो मेरी दोस्त है ना राखी, प्लीज मेरी बात मान जा राखी, प्लीज तू हिस्सा ले लेना प्लीज। कोमो मेरे से ये नहीं होगा। हो जाएगा, तेरी जिम्मेदारी मेरी, तू करना प्लीज।
हाँ ठीक है। हाँ चल। ये कोमो भी ना, ये सब ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये सब मेरे से नहीं होने वाला। मंदिरा राखी है, पहचान लिया ना तुम दोनों ने? और हाँ मंदिरा, इस बार राखी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? मुझे क्या दिक्कत होगी? तो मैं तुम्हें ये भी बोल देती हूँ, इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं भी हिस्सा लेने वाली हूँ, तो मिलते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, बाय। पर जो भी बोलो राखी, तू मेकअप और करके कुछ डिफरेंट ही लग गया। मुझे तो लगता है इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तू ही जीतने वाली है। क्या कोमो, तू भी, ये सब तेरे वजह से ही हो पाया है। चल वो है राहुल, चल मैं तुझे उससे मिलाती हूँ। कोमो कैसा है और ये कौन है? राहुल ये राखी है और राखी ये मंदिरा का एक्स बॉयफ्रेंड। क्या, ये मंदिरा का एक्स बॉयफ्रेंड है? मतलब हम दोनों का भी रिलेशन नहीं है, बहुत दिन पहले ब्रेकअप हो चुका है। पर ये सब कैसे? ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है राहुल, अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो मैं नहीं रहूंगी। कुछ नहीं होगा, तू इतना टेंशन मत ले। मंदिरा, राहुल, कोमो, तुम दोनों धोखेबाज। मंदिरा तू जैसे सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिरा राहुल सच कह रहा है। क्या सच और क्या झूठ, ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और राहुल तू गलती हो गई, मैंने तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। और कोमो तू, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, साली मोटी मेरा ही बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना। वैसे भी तेरी तो औकात नहीं थी मेरे से दोस्ती रखने की। बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुझे अपना दोस्त मान के और तुझे मेरा बॉयफ्रेंड मान के। दोबारा ये शक्ल लेके मेरे सामने आना मत, और आज से ये सारा रिश्ता खत्म। चल मिमिता। मंदिर, हम दोनों को क्या समझ लिया? जो समझना था समझ लिया उसने। मुझे भी ऐसी दोस्त की कोई जरूरत नहीं जो अपने दोस्त को ना समझ सकी। एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा 2 साल का रिश्ता खत्म हो गया, और मेरा इतना अच्छा दोस्ती भी खत्म हो गया। आप अभी भी मंदिरा से प्यार करते हो ना? हाँ, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। पता है राखी, कॉलेज में पहले हम लोग बहुत मस्ती करते थे। अरे मंदिरा तू टेंशन क्यों ले रही है? इस बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तू ही जीतेगी हर साल की तरह। जीतूंगी तो मैं ही। सुनना मिमिता, मेरा एक काम कर देगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। ये एलर्जी की दवाई है, तुझे किसी भी हालत पे राखी की मेकअप प्रोडक्ट पे मिक्स करना है, ये तू कर देगी? मंदिरा ये तो क्या बोल रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू एक लड़की होकर दूसरी लड़की का फेस तो कैसे खराब कर सकती है? सॉरी मंदिरा, ये मेरे से नहीं होगा, तू राखी से। मुझे नहीं पता था मंदिरा तू इतने नीचे गिर सकती है। आज से तेरा मेरा दोस्ती खत्म, मुझसे नहीं हो रहा। मिमिता, ये मैं क्या करने जा रही थी? एक लड़की होके दूसरी लड़की का फेस। वो देख मंदिरा की चमची। क्या हुआ और किधर है तेरी हीरोइन दोस्त? पता है कोमो, मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी, वो मुझसे। मुझे तो पता ही है, वो है ही ऐसी गिरी हुई। ठीक कहा तूने कोमो, मैं हुई गिरी हुई लड़की। पता नहीं मैं ये कंपटीशन जीतने के लिए एक लड़की होके दूसरी लड़की के फेस कैसे बिगाड़ने की सोच रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दे कोमो, राखी एंड राहुल। तू माफी के लायक नहीं मंदिरा, तूने तो मुझ पे भी भरोसा नहीं किया। और राहुल और मैं सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं, पर तूने ये समझने की कोशिश भी नहीं की। इससे मुंह लग के कोई फायदा नहीं है, चलो। तू माफी मांगने में बहुत लेट कर दिया मंदिरा।
शायद मैं इसी की लाएगू, बिल्कुल अकेली। मुझे लग रहा है गाइस कि हमें मंदिरा को माफ कर देनी चाहिए, है तो वो एक इंसान ही ना, और हम इंसानों से गलती होती है, और मंदिरा को अपने किए पर पछतावा है, वही सबसे बड़ी बात है। हमें माफ करना चाहिए मंदिरा को और एक चांस देना चाहिए कोमो। मैं अभी मंदिरा से बात करने जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आना। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरी गलती की वजह से मैं आज अकेली हूँ राखी। कोई बात नहीं, गलतियाँ हम इंसान से ही होती है, और तुम्हें अपने किए पर पछतावा तो है ना, यही सबसे बड़ी बात है। गाइस, हम सबने तुमको माफ कर दिया, हमारी हीरोइन राखी। हम सब इस बार इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। नहीं, मुझे कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि ये मेरी असलियत है ही नहीं। मेरी असली रूप तो वो है जिस रूप में कोमो ने मुझसे दोस्ती की थी, और मैं उसी रूप में खुश हूँ। ये कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन, ये मेकअप मुझे सूट नहीं करता, और इस कंपटीशन की विनर तू थी, तू है, और तू ही हमेशा रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को प्लीज हम सबको सब सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।